जय हिंद साथियों, मैं हूं नितिन सोनी, आपका दोस्त और एडुकेटर, और स्वागत है आपका मेरे चैनल नितिन सोनी सर इंग्लिश में। आज के वीडियो में अदर और अनादर के अंतर को जानेंगे, सीखेंगे, देखिएगा कैसे। तो बात करते हैं अदर यहां पर, और यहां हम बात करेंगे दोस्तों अनादर। ठीक है, अनादर का मतलब होता है ठीक वैसा दूसरा, मतलब एग्जैक्टली द सेम अदर। ठीक है, अदर के बाद जनरली सिंगुलर नाउन आती है, बट कभी कभी प्लूरल नाउन भी आ सकती है स्पेशल केसेस में। ध्यान रखेंगे कि अदर अनादर के साथ, सॉरी अनादर की बात में कर रहा हूँ, जनरली सिंगुलर नाउन आएगी। ठीक वैसा ही दूसरा, जैसे कि आप दुकान पे गए, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एक और पिज़्ज़ा खाएगा क्या? सेम टू सेम एक पिज़्ज़ा और मंगा लें, तो क्या बोलेंगे? सामने वाले से पूछा, वुड यू लाइक टू हैव अनादर पिज़्ज़ा, कि एक और पिज़्ज़ा मंगवा लें क्या, जो खाया था उसके जैसा ही दूसरा। जैसे कि अगर बटर खाया है तो बटर वाला एक और, तो ठीक वैसा दूसरे के लिए होता है अनादर। ठीक है, अनादर चांस सुना होगा ना, मैंने जैसे कहा गिव मी अनादर चांस, एक और मौका मुझे दें। ठीक है ना, सुना होगा आप लोगों ने अनादर चांस। ठीक है, एक और मौका, तो ठीक वैसा दूसरे के लिए क्या है, कहीं आप गए कॉफ़ी पी भी, एक कॉफ़ी और देना, तो अनादर टी, मतलब वैसी की वैसी एक चाय और। ठीक है, वहीं बात करते हैं अदर, इसका मतलब होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा। इसके बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई अन्य दूसरा, ठीक वैसा दूसरा नहीं, कोई अन्य दूसरा। अब जैसे कि पिज़्ज़ा मांगा था, उन्होंने कहा भाई पिज़्ज़ा और लगेगा, नहीं नहीं, कैन वी ऑर्डर सम अदर पिज़्ज़ा। तो अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई एक पिज़्ज़ा और खाएंगे, तो आपने कहा यार क्या हम कोई दूसरा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब एक बार तो बटर तो हम खा चुके हैं ना, अब बटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? दूसरा, कोई दूसरा, उसके जैसा नहीं, बिल्कुल अलग दूसरा। तो अलग दूसरे के लिए क्या होता है आपका? अदर। समझ में आ रही ना? ठीक वैसा दूसरा अनादर, अनादर ठीक वैसा दूसरा, परंतु अन्य कोई दूसरा क्या आएगा आपका? अदर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कैन वी मीट सम अदर डे, क्या किसी और दिन मिले? किसी ने आपसे कहा यार मिल लेते हैं, मैंने कहा यार कभी किसी और दिन मिलते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो अदर और अनादर का अंतर समझ रहे हैं ना दोस्तों? अदर का मतलब अन्य कोई, है ना, जैसे कि मैंने कहा माई अदर फ्रेंड्स आर कमिंग, मेरे दूसरे दोस्त आ रहे हैं, है ना। अब किसी दुकान पे गए, आपने कहा भैया पेन चाहिए, मान लो ये पेन लिया, उन्होंने कहा भैया हाँ बड़ा अच्छा पेन है, ऐसे कैसे एक और दे दूँ, तो क्या बोलेंगे? गिव मी अनादर पेन, ठीक वैसा दूसरा। पर भैया ये नहीं चाहिए, दूसरा कोई पेन दे दो, तो शो मी या गिव मी सम अदर पेन्स, अदर पेन्स। यहाँ पर दूसरे पेनों की बात की, तो अदर के बाद पेन्स हुआ। अदर के बाद नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। वही अनादर के बाद भी यही कंडीशन लगेगी, लेकिन अनादर का मतलब होता है ठीक वैसा दूसरा। तो दोस्तों ये था छोटा सा लेकिन बहुत मज़ेदार वीडियो, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।